आपको बॉलीवुड की एक और बहुत बड़ी अदाकारा के यहाँ छोटे से नन्हे मेहमान की खुशखबरी सुनाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। आपको बताते चलें कि काजल अग्रवाल और गौतम किशलू जिन्होंने न्यू ईयर की स्टार्टिंग पर न्यू ईयर की विशेष और तमाम सेलिब्रेशन के साथ साथ ये भी अनाउंसमेंट की थी कि हम अपनी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के साथ एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि हम इस ईयर में पेरेंट्स बन जाएंगे। और रिपोर्टेडली फाइनली ये वो दिन है जब उनके यहाँ एक नन्ना सा बेटा हुआ है और भारती सिंह के बाद अब वो भी एक बेटे के, नन्हे से बेटे के, खूबसूरत से बेटे के पेरेंट्स बन चुके हैं। और फिर अपनी पूजा और बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स वो शेयर करती रहती थी अपनी सोशल मीडिया के जरिए, जिससे वो अपने फैंस से कनेक्ट रहती थी और अपनी एक एक चीज फैंस के साथ शेयर करती थी, चाहे वो उनकी बहन, उनकी पूजा हो, इवन की उनकी फिटनेस जर्नी हो जिसमें अपनी प्रेगनेंसी के टर्नओवर में भी ये चीज का बता रही थी फैंस को कि हाँ मैं अपना इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ कि मुझे प्रेगनेंसी के बाद भी तमाम चीजों को झेलना ना पड़े बल्कि मैं खुद फिट रह सकूं। ये सारी की सारी चीजें जिस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी टेन्योर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, अब फाइनली जो क्या वो माँ बन चुकी हैं, अब फाइनली उनका बेबी बॉय जो कि इस दुनिया में आ चुका है। रिपोर्टेडली अभी तक गौतम किशलू और काजल अग्रवाल ने अपनी सोशल मीडिया पेरेंट्स के जरिए ना तो कोई अनाउंसमेंट की है ना ही फैंस को बताया है ऑफिशियली तौर पर, लेकिन बहुत क्लोज सोर्सेज और बहुत ही रिपोर्टेडली ये बात पूरे सोशल मीडिया पर इस टाइम पर फैल रही है कि काजल अग्रवाल और गौतम किशलू एक नन्हे से बेटे के पेरेंट्स बन चुके हैं और वो अपने तरीके से अनाउंसमेंट बहुत जल्द करेंगे, लेकिन फिलहाल वो इन तमाम चीजों में फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में बिजी हैं जिसकी वजह से वो फैंस को बताना भूल चुके हैं। लेकिन खैर फैंस तो फिर फैंस हैं, और फिर वो फैंस कैसे जो कि अपनी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या फिर जितनी जिसको वो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उनकी खुशियों तक ना पहुंच सके, इसी वजह से उनकी बहुत ही खूबसूरत सी खुशी यानी कि उनके यहाँ जो पेरेंट्स बने हैं वो कुछ सालों बाद अपनी शादी के उसकी खुशी में जिस तरीके से फैंस एक्साइटेड है उनके बेबी को देखने के लिए, व्यूअर्स आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।